ज़हरी ने बयान किया कि जब हमसे अबू जमीला रजी ने हदीस बयान की तो हम सईद बिन मुसैब के साथ थे बयान किया कि अबू जमीला ने कहा कि उन्होंने नबी करीम अलैहि वसल्लम की सोहबत पाई और वो आपके साथ गज़ब लिए निकले थे सही बुखारी हदीस नंबर चार हज़ार तीन सौ एक ऐब ने कहा कि मुझसे अबू कलाबा ने कहा उम्र बिन सलमा रजियाल्ला की खदमत में हाजिर होकर ये कस्सा क्यों नहीं पूछते अबू कलाबा ने कहा कि फिर मैं उनकी खिदमत में गया और उनसे सवाल किया उन्होंने कहा ज़ाहिलियत में हमारा क़याम एक चश्मे पर था जहाँ आम रास्ता था सवार हमारे करीब से गुजरते तो हम उनसे पूछते लोगों का क्या ख़याल है इस शख्स का क्या मामला है ये इशारा नबी करीम सल्ह वसलम की तरफ होता था लोग बताते कि वो कहते हैं कि अल्लाह ने उन्हें अपना रसूल बनाकर भेजा है और अल्लाह उन पर वही नाजिल करता है या अल्लाह ने उन पर वही नाजिल की है वो कुरान की कोई आयत सुनाते मैं वो फौरन याद कर लेता उसकी बातें मेरे दिल को लगती थी इधर सारे अरब वाले फ़तेह अपने इस्लाम को मौक़ किए हुए थे उनका कहना ये था कि इस नबी को और इसकी कौम कुरैश को निमटने दो अगर वो इन पर गालिब आ गए तो फिर वाकई वो सच्चे नबी हैं चुनाचा जब फतह हो गया तो हर कौम ने इस्लाम लाने में पहल की और मेरे वालिद ने भी मेरी कौम के इस्लाम में जल्दी की फिर जब वो मदीना से वापस आए तो कहा कि मैं खुदा की कसम एक सच्चे नबी के पास से आ रहा हूँ उन्होंने फ़रमाया है कि फ़लाँ नमाज इस तरह फ़लाँ वक्त पढ़ा करो और जब नमाज़ का वक्त हो जाए तो तुम में से कोई एक शख्स अजान दे और इमामत वो करे जिसे क़ुरान सबसे ज़्यादा याद हो लोगों ने अंदाज़ा किया कि किसे कुरान सबसे ज़्यादा याद है तो कोई शख्स उनके कबीले में मुझसे ज़्यादा कुरान याद करने वाला नहीं मिला क्योंकि मैं आने जाने वाले सवारों से सुनकर कुरान मजीद याद कर लिया करता था इसलिए मुझे लोगों ने इमाम बनाया हालांकि उस वक्त मेरी उम्र छः या सात साल की थी और मेरे पास एक ही चादर थी जब मैं उसे लपेट कर सजदा करता तो ऊपर हो जाती और पीछे की जगह खुल जाती उस कबीले की एक औरत ने कहा तुम अपने कारी का चूतर तो पहले छुपा दो आखिर उन्होंने कपड़ा खरीदा और मेरे लिए एक कमीज बनाई मैं जितना खुश उस कमीज से हुआ उतना किसी और चीज से नहीं हुआ था सही बुखारी हदीस समार हजार तीन सौ दो इमाम मालिक ने बयान किया उनसे शहाब ने उनसे वाबा बिन जुबैर ने और उनसे हज़रत शारदा ने बयान किया नबी करीम वसल्लम से दूसरी सनद और लेस बिन साद ने कहा मुझसे यूनुस ने बयान किया उनसे से शहाब ने उन्हें बा बिन जुबैर ने ख़बर दी और उनसे हज़रत शारदी अल्लाह ने बयान किया कि उतबा बिन नबी वक़ास ने मरते वक्त ज़मान जाहलीत में अपने भाई साद बिन नबी वक़ा रदी को वसीयत की थी कि वो जमा बिन लैसी की बंदी से पैदा होने वाले बच्चे को अपने कब्जे में ले लें उत्मा ने कहा था वो मेरा लड़का होगा चुनाचा जब फतेह मक्का के मौके पर रसूल सल्ला मक्के में दाखिल हुए तो साद बिन नबी वका हो उस बच्चे को लेकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और उनके साथ अब्द बिन जमा भी आए साद बिन नबी वका रदी अल्लाह ने तो ये कहा यह मेरे भाई का लड़का है भाई ने वसीयत की थी कि उसी का लड़का है लेकिन अब बिन जमा ने कहा या रसूल अल्लाह ये मेरा भाई मेरे वालिद जमा का बेटा है क्योंकि उन्हीं के बिस्तर पर पैदा हुआ है आ हजरत सल्लाह वसल्लम ने जमा की बांदी के लड़के को देखा तो वह वाकई साद के भाई उत्बा बिन नबी वकास की शक्ल पर था लेकिन हजूर सल्लाह वसलम ने कानून शरीय के मुताबिक फैसला ये किया क्या अब्द बिन जमा तुम ही इस बच्चे को रखो ये तुम्हारा भाई है क्योंकि ये तुम्हारे वालिद के फराश पर उसकी बांदी के बतन से पैदा हुआ है लेकिन दूसरी तरफ मोमिनीन सौदा रजी अल्लाह से जो जमा की बेटी थी फरमाया सौदा इस लड़के से पर्दा किया करना क्योंकि आपने इस लड़के में उतबा बिन नबी वकास रजी अल्लाह की शबाहत पाई थी इबन शहा कहा उनसे आयशा रजी अल्लाह ने बयान किया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ने फरमाया था लड़का उसका होता है जिसकी जोरू या लोंडी के पेट से पैदा हुआ हो और zina करने वाले के हिस्से में संग ही है इब्ने सहाब ने बयान किया कि अबू हुराइरा रजी अल्लाह हो इस हदीस को पुकार पुकार कर बयान किया करते थे सही बुखारी हदीस नंबर 4303 और व बिन ज़ुबैर ने खबर दी कि غزوہ فتح मक्का के मौके पर एक औरत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में चोरी कर ली थी उस औरत की कौम घबराई हुई उसामा बिन जैद रज़ी के पास आई ताकि वो हजूर सल्ला वसलम से इसकी सिफारिश कर दें कि उसका हाथ चोरी के जुर्म में न काटा जाए और वन बयान किया कि जब उसामा रजी अल्ला ने इसके बारे में आ हज़रत सल्हुसम से गुफ्तू की तो आपके चेहरे मुबारक का रंग बदल गया और आपने फरमाया तुम मुझसे अल्लाह के कायम की हुई एक हद के बारे में सिफारिश करने आए हो उसामा रदी अल्लाह उन्होंने अर्ज किया मेरे लिए दुआ मक़फ़रत कीजिए या रसूल अल्लाह फिर दोपहर के बाद आ हज़रतल्हु वसलम ने सहाबा रदी अल्लाह को ख़िताब किया अल्लाह तला की उसकी शान के मुताबिक तारीफ करने के बाद फरमाया अम्माबाद तुम में से पहले लोग इसलिए हलाक हो गए कि अगर उनमें से कोई मोजिज़ शख्स चोरी करता तो उसे छोड़ देते लेकिन अगर कोई कमजोर चोरी कर लेता तो उस पर हथ कायम करते और उस जात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है अगर फातिमा बिन पे मोहम्मद भी चोरी कर ले तो मैं उसका हाथ काटूंगा इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत के लिए हुक्म दिया और उनका हाथ काट दिया गया फिर उस औरत ने सिदिल से तोबा कर ली और शादी भी कर ली हज़रत आयी ने बयान किया कि बाद में वो मेरे यहाँ आती थी उनको और कोई जरूरत होती तो मैं रसूल सल्ला के सामने पेश कर देती चार हजार तीन सौ चार मजाश बिन मसूद उन्होंने बयान किया कि फ़तेह मक्का के बाद मैं रसूल सल्लाम की खिदमत में अपने भाई मजालिद को लेकर हाजिर हुआ और अर्ज की कि या रसूल मैं इसे इसलिए लेकर हाजिर हुआ हूं ताकि आप हिजरत पर इससे बेत ले लें हजूर सल अल्लाह वसलम ने फरमाया हिजरत करने वाले उसकी फजीलत हासिल कर चुके जानिए अब हिजरत करने का ज़माना तो गुजर चुका मैंने अर्ज किया फिर आप इससे किस चीज़ पर बेत लेंगे हजूर सल ले ने फरमाया ईमान इस्लाम और जहाद पर अभी उस्मान नाही ने कहा कि फिर मैं मुजाशा के भाई अबू महबद मुज से मिला वो दोनों भाइयों से बड़े थे मैंने उनसे भी इस हदीस के मुक्त पूछा तो उन्होंने कहा कि मुजाश ने हदीस ठीक तरह बयान की है सही बुखारी चार हजार तीन सौ पांच चार हजार तीन सौ छसिम बिन सुलेमान ने बयान किया उनसे अबू उस्मान नहदी ने और उनसे मुजाशे बिन मसूद रदी अल्लाह ने क्या मैं अपने भाई अबू महबद रदी अल्लाह को नबी करीम सल्हु की खदमत में आपसे हिजरत पर बैत कराने के लिए ले गया हज़ूर सल असलम ने फरमाया कि हिजरत का सवाब तो हिजरत करने वालों के साथ ख़त्म हो चुका अलबत् मैं इससे इस्लाम और जहाद पर बैत लेता हूँ अबू उस्मान ने कहा कि फिर मैंने अबू महबद्द रदी अल्लाह से मिलकर उनसे इनके मुतक पूछा तो उन्होंने कहा कि मुजाशिरदी अल्लाह उन्होंने ठीक बयान किया और ख़ालिद हजा ने भी अबू उस्मान से बयान किया उनसे मुजाशिरदी अल्लाह उन्होंने कि वो अपने भाई मुजालिद रजी अल्लाह को लेकर आए थे फिर हदीस को आखिर तक बयान किया इसको इस्माइल ने वसल किया है सही बुखारी हदीस नंबर चार हजार तीन सौ सात चार हजार तीन सौ आठ गुंदर ने बयान किया कहा हमसे शोबा ने बयान किया उनसे अबू बशर ने और उनसे मुजाहिद ने कि मैंने अबन उमर रजी अल्लाह से अर्ज किया कि मेरा इरादा है कि मुल्क शाम को हिजरत कर जाऊं फरमाया अब हिजरत बाकी नहीं रही जहाद ही बाकी रह गया है इसलिए जाओ और खुद को पेश करो अगर तुमने कुछ पा लिया तो बेहतर वरना वापस आ जाना सही बुखारी हदीस नंबर चार हजार तीन सौ नौ अबू बशर ने खबर दी उन्होंने मुजाहिद से सुना कि जब मैंने अब्दुल्ला बिन उमर से अर्ज किया तो उन्होंने कहा कि अब हिजरत बाकी नहीं रही या फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद फिर हिजरत कहाँ रही अगली रिवायत की तरह बयान किया सही बुखारी हदीस नंबर चार हजार तीन सौ दसिया बिन हमजा ने बयान किया उन्होंने कहा कि मुझसे अबू ने बयान किया उनसे बिन अबी लबाबा ने उनसे मुजाहिद बिन जबर मक्की ने कि अब्दुल्लाह बिन उमर कहा करते थे कि फतेह मक्का के बाद हिजरत बाकी नहीं रही सही बुखारी हदीस नंबर चार हजार तीन सौ ग्यारह अता बिन अबी रुबाह ने बयान किया कि मैं उबैद बिन उमैर के साथ हज़रत आय शर की खिदमत में हाजिर हुआ उबैद ने उनसे हिजरत का मसला पूछा तो उन्होंने कहा कि अब हिजरत बाकी नहीं रही पहले मुसलमान अपना दीन बचाने के लिए अल्लाह और उसके रसूल की तरफ पनाह लेने के लिए आते थे इस खौफ से कि कहीं दीन की वजह से फितने में न पड़ जाएं इसलिए अब जबकि अल्लाह तला ने इस्लाम को गालिब कर दिया तो मुसलमान जहां भी चाहे अपने रब की इबादत कर सकता है अब तो सिर्फ जहाद और जिहाद की नियत का सवाब बाकी है सही बुखारी हदीस नंबर 4312 हसन बिन मुस्लिम ने खबर दी और उन्हें मुजाहिद ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेह मक्का के दिन खुतबा सुनाने खड़े हुए और फरमाया जिस दिन अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन को पैदा किया था उसी दिन उसने मक्के को हुरमत वाला शहर करार दे दिया था बस यह शहर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कयामत तक के लिए हुरमत वाला रहेगा जो मुझसे पहले कभी किसी के लिए हलाल नहीं हुआ और न मेरे बाद किसी के लिए हलाल होगा और मेरे लिए भी सिर्फ एक घड़ी के लिए हलाल हुआ था यहाँ हदूद हरम में शिकार के काबिल जानवर न छेड़े जाएं, यहाँ के कांटेदार दरख्त न काटे जाएं, न यहाँ की घास उखाड़ी जाए और यहाँ पर गिरी पड़ी चीज़ उस शख्स के सिवा जो ऐलान करने का इरादा रखता हो और किसी के लिए उठानी जायज नहीं इस पर हजरत अब्बास बिन अब्दुल अब्दुल्ला उन्होंने कहा या रसूल अजखर घास की इजाजत दीजिए क्योंकि सुनारों के लिए और मकानात की तामीर वगैरह के लिए ये जरूरी है आप खामोश हो गए फिर फरमाया अजखर इस हुक्म से अलग है उसका काटना हलाल है दूसरी रिवायत इतने जरीद से इसी सनत से ऐसी ही है उन्होंने अब्दुल करीब बिन मालिक से उन्होंने अक्रमा से उन्होंने इब्न अब्बास से और अबू हुरहों ने भी हज़र सल्हम से ऐसी ही रिवायत की है हजार तीन सौ तेरह यजीद बिन हारून ने बयान किया कहा हमको इसमाइल बिन अबी खालिद ने खबर दी उन्होंने बयान किया कि मैंने अब्दुल्लह बिन नबीफरद के हाथ में ज़ख्म का निशान देखा फिर उन्होंने बताया कि मुझे ये ज़ख्म उस वक्त आया था जब मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सजब हुनैन में शरीक था मैंने कहा आप हुनैन में शरीक थे उन्होंने कहा कि इससे भी पहले मैं कई ग़्बात में शरीक हो चुका हूँ सही बुखारी हदीस नंबर चार हजार तीन सौ चौदह सफियान सूरी ने बयान किया उनसे अबू इसहाक ने कहा कि मैंने बरा रजी बरारजील्ला से सुना उनके यहाँ एक शख्स आया और उनसे कहने लगा कि आए अबू अब क्या तुमने हुनैन की लड़ाई में पीठ फेर ली थी उन्होंने कहा मैं इसकी गवाही देता हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह से नहीं हटे थे अलबत्तः जो लोग कौम में जल्दबाज थे उन्होंने अपनी जल्दबाजी का सबूत दिया था बस कबीला हवाजन वालों ने उन पर तीर बरसाए अबू सफियान बिन हारिस अल्लाह हारिसन हजूर सल्ह वसम के सफ़ेद खच्चर की लगाम थामे हुए थे और हजूर सल असलम फरमा रहे थे मैं नबी हूँ इसमें बिल्कुल झूठ नहीं मैं अब्दुल मुत्तलिब की औलाद हूं सही बुखारी हदी समारो पंद्रह अबुल वलीद ने बयान किया कहा हमसे कहाबा ने बयान किया उनसे अबू इसहाक ने के बरा बराबिन आजिब रदी से पूछा गया मैं सुन रहा था कि तुम लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गजब हुनैन में पीठ फेर ली थी उन्होंने कहा जहां तक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक है तो आपने पीठ नहीं फेरी थी हुआ ये था कि हवाजन वाले बड़े तीर अंदाज थे फरमाया था मैं नबी हूँ इसमें औलाद हूँ सोलह शोबा ने बयान किया उनसे अबू इसहा उन्होंने बरा रज्ला उन्हों से सुना और उनसे कबीला कैस के एक आदमी ने पूछा कि क्या तुम लोग नबी करीम सलम को गुनैन में छोड़कर भाग निकले थे उन्होंने कहा लेकिन हजूर करम वसल्लम अपनी जगह से नहीं हटे थे कबीले हवाजन के लोग तीर अंदाज थे जब उन पर हमने हमला किया तो वो पसपा हो गए फिर हम लोग माले गनीमत में लग गए आखिर हमें उनके तीरों का सामना करना पड़ा मैंने खुद देखा था कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सफेद खच्चर पर सवार थे और हजरत अबू सफियन रजी अल्ला उसकी लगाम थामे हुए थे हुजूर वसल्लम फरमा रहे थे मैं नबी हूं इसमें झूठ नहीं इसराइल और जहेर ने बयान किया कि बाद में हुजूर अलैहि वसल्लम अपने खच्चर से उतर गए सही बुखारी तीन सौ सत्रह अकील ने बयान किया उनसे इबन शहाब ने दूसरी संद बिन मंसूर ने बयान किया कहा हमसे याकूब बिन इब्राहिम ने बयान किया कहा हमसे इबन शहाब के भतीजे मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन ने बयान किया कि मोहम्मद बिन ने कहा कि उनसे बिन जुबैर ने बयान किया कि उन्हें मरवान बिन हकम और मसूर बिन मकरमर रही खबर दी कि जब कबीले हवाजन का वक्त मुसलमान होकर हाजिर हुआ तो रसूल वसल्लम रुखसदे ने खड़े हुए उन्होंने आपसे ये दरख्वास्त की उनका माल और उनके कबीले के क़ायदी उन्हें वापस दे दिए जाए आजरत सल्हुसम ने फरमाया जैसा कि तुम लोग देख रहे हो मेरे साथ कितने और लोग भी हैं और देखो सच्ची बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद है इसलिए तुम लोग एक ही चीज पसंद कर लो या तो अपने कैदी ले लो या माल ले लो मैंने तुम ही लोगों के ख्याल से कैदियों की तकसीम में तखिर की थी हजूर अक्रम सल्ह वसलम के ताइब से वापस होकर तकरीबन दस दिन उनका इंतजार किया था आखिर जब उन पर वाजे हो गया क्या अलैहि वसल्लम उन्हें सिर्फ एक ही चीज़ वापस करेंगे तो उन्होंने कहा कि फिर हम अपने कबीले के कैदियों की वापसी चाहते हैं तो चनाचा आप अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को खिताब किया अल्लाह ताला की उसकी शान के मुताबिक सना करने के बाद फरमाया अम्माद तुम्हारे भाई कबीला हवाजन के लोग तोबा करके हमारे पास आए हैं मुसलमान होकर और मेरी राय यह है कि उनके कैदी उन्हें वापस कर दिए जाए इसलिए जो शख्स बिला किसी दुनियावी से लेके अपनी खुशी से वापस करना चाहे वो वापस कर दे ये बेहतर है और जो लोग अपना हिस्सा न छोड़ना चाहते हों उनका हक कायम रहेगा वो यूं कर लें कि इसके बाद जो सबसे पहले गनीमत अल्लाह ताला हमें इनायत फरमाएगा उसमें से हम उन्हें इसके बदले में दे देंगे तो वो इनके कैदी वापस कर दें तमाम सहाबरत ने कहा या रसोल्ला हम खुशी से बिला किसी बदले के वापस करना चाहते हैं लेकिन हजूर सल अला ने फरमाया इस तरह हमें इसका इलम नहीं हुआ कि किसने अपनी खुशी से वापस किया है और किसने नहीं इसलिए सब लोग जाए और तुम्हारे चौधरी लोग तुम्हारा फैसला हमारे पास लाए चुनाचा सब वापस आ गए और उनके चौधरीओं ने उनसे गुफ्तगु की फिर वो हजूर सल अला वसलम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया कि सब खुशी और फराख दिली के साथ इजाजत दे दी है इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ने कहा यही है वो हदीस जो मुझे कबीला हवाजन के कैदियों के मुतालिक पहुंची है सही बुखारी हदीस नंबर चार हजार तीन सौ अट्ठारह चार हजार तीन सौ उन्नीस ने बयान किया उनसे अयूब ने उनसे नाफे ने उमर रजी अल्लाह ने अर्ज किया या रसूल दूसरी सनद और मुझसे मोहम्मद इब्ने मकातिल ने बयान किया कहा हमको अब्दुल्ला बिन मुबारक ने खबर दी उन्हें मम्मर ने खबर दी उन्हें अयूब ने उन्हें नाफ़े ने और उन सेबन उमरदी ने बयान किया कि जब हम गज़ब हुनैन से वापस हो रहे तो उमरद्हों ने नबी करीम वसल्लम से अपनी एक नज़र के मुतालिक पूछा जो उन्होंने जमाने जाहिलियत में एहतिकाफ़ की मानी थी और आज़ूर सल्ला ने उन्हें इसे पूरी करने का हुक्म दिया और बाज अहमद बिन अब्दा कबी ने हम से बयान किया उनसे ऐूब ने उनसे नाफ़े ने और उन सेबन उमरद्हों ने और इस रिवायत को जरीर बिन हाजिम और बिन सलमा ने अयूब से बयान किया उनसे, नाफे ने, उनसे करीम सल सही बुखारी, चार, हजार तीन बीस। के मौलाबू मोहम्मद ने और उनसे अब कतादी बयान किया कि गजब हुनैन के लिए हम नबी करीम सल्ह वसलम के साथ निकले जब जंग हुई तो मुसलमान जरा डगमगा गए आगे पीछे हो गए मैंने देखा कि एक एक के ऊपर है। मैंने पीछे से उसकी गर्दन पर तलवार मारी और जरा पर पलट पड़ा और मुझे इतनी जोर से भींचा कि मौत की तस्वीर मेरी आंखों में फिर गई आखिर वो मर गया और मुझे छोड़ दिया फिर मेरी मुलाकात उमर रदील्ला से हुई मैंने पूछा लोगों को क्या हो गया है उन्होंने फरमाया यही अल्लाह वज़ल का हुक्म है फिर मुसलमान पलटे और जंग खत्म हो जाने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरी फरमा हुए और फरमाया जिसने किसी को कत्ल किया हो और उसके लिए कोई गवाह भी रखता हो तो उसका तमाम सामान और हथियार उसे ही मिलेगा मैंने अपने दिल में कहा कि मेरे लिए कौन गवाही देगा फिर मैं बैठ गया बयान किया कि फिर आपने दोबारा यही फरमाया इस मरतबा फिर मैंने दिल में कहा कि मेरे लिए कौन गवाही देगा और फिर बैठ गया हजूर सल अलाम ने फिर अपना फरमान दोहराया तो मैं इस मरतबा खड़ा हो गया हजूर सल अल्लाह वसलम ने इस मरतबा फरमाया क्या बात है अबू कतादा मैंने आपको बताया तो एक साहब असवद बिन खजाई असलमी ने कहा कि ये सच कहते हैं और इनके मकतूल का सामान मेरे पास है आप मेरे हक में इन्हें राजी कर दें के सामान मुझसे न ले इस पर अबू बकर नहीं खुदा की कसम अल्लाह के शेरों में से एक शेर जो अल्लाह और उसके की तरफ से लड़ता है। फिर उसका तुम्हें हरगज नहीं दे सकते हु ने फरमाया कि सच कहा तुम सामान अबू कदाद रजी अल्लाह को दे दो उन्होंने सामान मुझे दे दिया मैंने उस सामान से कबीले सलमा के मोहल्ले में एक बाग खरीदा इस्लाम के बाद ये मेरा पहला माल था जिसे मैंने हासिल किया था सही बुखारी चार हजार तीन सौ इक्कीस अबू कतार मोला अबू मोहम्मद ने बयान किया गजब हुनैन के दिन मैंने एक मुसलमान को देखा के एक मशरक से लड़ रहा था और एक दूसरा मुशरक पीछे से मुसलमान को कत्ल करने की घात में था पहले तो मैं उसी की तरफ बढ़ा उसने अपना हाथ मुझे मारने के लिए उठाया तो मैंने उसके हाथ पर वार करके काट दिया उसके बाद वो मुझसे चिमट गया और इतनी जोर से मुझे भींचा कि मैं डर गया आखिर उसने मुझे छोड़ दिया और ढीला पड़ गया मैंने उसे धक्का देकर कत्ल कर दिया और मुसलमान भाग निकले और मैं भी उनके साथ भाग पड़ा लोगों में उमर बिन खत्ताब रज़्याला नजर आए तो मैंने उनसे पूछा लोग क्यों भाग रहे हैं उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ताला का यही हुक्म है फिर लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकतूल को उसी ने कत्ल किया है तो उसका सारा सामान उसे मिलेगा मैं अपने मकतूल पर गवाह के लिए उठा लेकिन मुझे कोई गवाह दिखाई ना दिया आखिर में बैठ गया फिर मेरे सामने एक सूरत आई मैंने अपने मामले की इतला हजूर अक्रम वसल्लम को दी आपके पास बैठे हुए एक साहब असवद बिन ख़ज़ाई असलमी ऱी अल्लाह उन्होंने कहा कि उनके मकतूल का हथियार मेरे पास है आप मेरे हक में इन्हें राज़ी कर दें इस पर हज़रत अबू बकरों ने कहा हरगज़ नहीं अल्लाह के शेरों में से एक शेर को छोड़कर जो अल्लाह और उसके रसूल के लिए जंग करता है उसका हक के एक बुजदिल को आजरत वसल्लम नहीं दे सकते अबू कतादर क़ादरद उन्होंने बयान किया चुनाचा अलैहि वसल्लम खड़े हुए और मुझे वो सामान अता फरमाया मैंने उससे एक बाग खरीदा और ये सबसे पहला माल था जिसे मैंने इस्लाम लाने के बाद हासिल किया था सही बुखारी हदीस नंबर चार हजार तीन सौ बाईस अबू उसामा ने बयान किया उनसे बरीद बिन अब्दुल्ला ने उनसे अबू बुरदा ने और उनसे अबू मूसा मूसाश अदी ने कि जब वसल्लम गज़वए हुनैन से फ़ारिग हो गए तो आपने एक दस्ते के साथ अबू आमिर को वाद अवतास की तरफ भेजा उस मार्के में दरीद इबन असमत से मुकाबला हुआ दरीद कत्ल कर दिया गया और अल्लाह तश्कर को शिकस्त दे दी अबू मूसा शरीर ने बयान किया कि अबू आमिर के साथ आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भी भेजा था अबू आमिर के घुटने में तीर आकर लगा बनी जाशम के एक शख्स ने उन पर तीर मारा था और उनके घुटने में उतार दिया था मैं उनके पास पहुँचा और कहा चचा ये तीर आप पर किसने फेंका है उन्होंने अबू मूसा रदी अल्लाह को इशारे से बताया कि वह जाशमी मेरा कातिल है जिसने मुझे निशाना बनाया है मैं उसकी तरफ लपका और उसके करीब पहुंच गया लेकिन जब उसने मुझे देखा तो वह भाग पड़ा मैंने उसका पीछा किया और मैं ये कहता जाता था तुझे शर्म नहीं आती तुझसे मुकाबला नहीं किया जाता आखिर वो रुक गया और हमने एक दूसरे पर तलवार से वार किया मैंने उसे कत्ल कर दिया और अब आमिरल्ला उन्होंने जाकर कहा कि अल्लाह ने आपके कतल को कत्ल करवा दिया उन्होंने फरमाया कि मेरे घुटने में से तीर निकाल ले मैंने निकाल दिया तो उससे पानी जारी हो गया फिर उन्होंने फरमाया भतीजे हजूर अक्रम सल्ला वसम को मेरा सलाम पहुँचाना और अर्ज़ करना कि मेरे लिए मकफरत की दुआ फरमाए अबू अल्लाह लोगों पर मुझे अपना नाइब बना दिया इसके बाद वो थोड़ी देर और ज़िंदा रहे और शहादत पाई मैं वापस हुआ और हजूर अक्रम सल्ला वसम की ख़िदमत में पहुँचा आप अपने घर में बानों की एक चारपाई पर तशरीफ़ रखते थे उस पर कोई बिस्तर बिछा हुआ नहीं था और बानों के निशाना आपकी पीठ और पहलू पर पड़ गए थे मैंने आपसे अपने और अबू आमिर दी के वाक़ बयान किए और ये कि उन्होंने दुआए मफ़रत के लिए दरखास्त की है आ हज़रतल असलम ने पानी तलब फरमाया और वजू किया फिर हाथ उठाकर दुआ की अय अल्लाह अब अब आम रज़ी उन्हों की मफफ़रत फरमा मैंने आपकी बगल में सफ़ेदी जब आप दुआ कर रहे थे देखी फिर अलैहि वसल्लम ने दुआ की अयल्लायामत के दिन अबूआम रजी अल्लाह उन्होंने को अपनी बहुत सी मखलूक से बलंतर दर्जा आता फरमाइयो मैंने अर्ज किया और मेरे लिए भी अल्लाह से मगफरत की दुआ फरमा दीजिए हजूर सल्लाम ने दुआ की अयल्ला अब्दुल्ला

कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए तो मेरे पास एक मुखन्स बैठा हुआ था फिर आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना कि वह अब्दुल्लाह बिन उमैया से कह रहा था क्या अब्दुल्लाह देखो अगर कल अल्लाह ताला ने तारीफ़ की फ़तह तुम्हें इनायत फरमाई तो गैलान बिन सलमा की बेटी बादिया नामी को ले लेना वो जब सामने आती है तो पेट पर चार बल और पीठ मोड़ कर जाती है तो आठ बल दिखाई देते हैं यानी बहुत मोटी ताज़ी औरत है इसलिए आ अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये शख्स अब तुम्हारे घर में ना आया करे इब्न आइना ने बयान किया कि इबि जरीज ने कहा उस मुखन्स का नाम हैज था हमसे महमूद ने कहा उनसे अबू सामा ने बयान किया उनसे हैशाम ने इसी तरह बयान किया और ये इजाफा किया कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त ताइफ का मुहासरा किए हुए थे सही बुखारी हदीस बिन आइना ने बयान किया उनसे 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 दीनार ने उनसे अबु ना ना ने अबुल अब्बास शायर और उनसे अब्दुल्ला उन्होंने। उन्होंने बयान किया कि जब रसूल सहा किया तो दुश्मन का कुछ भी नुकसान नहीं किया आखिर आपने फरमाया कि अब इनशा हम वापस हो जाएंगे मुसलमानों के लिए नाकाम लौटना बड़ा शाख गुजरा उन्होंने कहा कि वाह बग़ैर फतह के हम वापस चले जाएं रावी ने एक मरतबा नज़हब के बजाय नकफल का लफ्ज इस्तेमाल किया यानी हम लौट जाएं और ताइफ़ को फ़तह न करें यह क्यों कर हो सकता है इस पर आ अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर सुबह सवेरे मैदान में जंग के लिए आ जाओ सहाबा सुबह सवेरे ही आ गए लेकिन उनकी बड़ी तादाद जख्मी हो गई अब फिर आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन हम कल वापस चलेंगे अल्लाह उन्होंने इसे बहुत पसंद किया आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर हंस पड़े और सुफियान रजी अल्लाह उन्होंने एक मरतबा बयान किया कि आजरत सल्ह वसलम मुस्कुरा दिए बयान किया कि हमीदी ने कहा कि हमसे सुफियान ने यह पूरी खबर बयान की सही बुखारी अजीजार हजार तीन सौ पच्चीस आसिम बिन सुलेमान ने बयान किया उन्होंने अबू उस्मान नाहदी से सुना कहा मैंने सद बिन अबी वकास रदी अला से सुना जिन्होंने सबसे पहले अल्लाह के रास्ते में तीर चलाया था और अबू बकर से जो ताइफ के कले पर चंद मुसलमानों के साथ चढ़े थे और इस तरह नबी करीम सल्ह वसम की खिदमत में हाजिर हुए थे इन दोनों सहाबियों ने बयान किया कि हमने हजूर करम सल असलम से सुना आप फरमा रहे थे कि जो शख्स जानते हुए अपने बाप के सिवा किसी दूसरे की तरफ अपने आप को मंसूब करे तो उस पर जन्नत हराम है और हशाम ने बयान किया और उन्हें मम्मर ने खबर दी उन्हें आसिम ने उन्हें अबू आलिया या अबू उस्मान नहदी ने कहा कि मैंने साधव नबी वकास रजी अल्लाह और अबू बकर सुना कि नबी करीम सलम ने फरमाया आसिम ने बयान किया कि मैंने अबूआलिया अब ऊस्मान नाहदी रजी अल्लाह से कहा आपसे रिवायत ऐसे दो अस्हब सात और अबू बकर रजी अल्लाह ने बयान की है कि यकीन के लिए इनके नाम काफ़ी हैं उन्होंने कहा यकीन इनमें से एक साद नबी वकास रजी अल्लाह तो वह हैं जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में सबसे पहले तिर चलाया था और दूसरे अबू बकर रजी अल्लाह वो हैं जो तीसवें आदमी थे इन लोगों में जो ताइफ के कले से उतर कर आ हज़रत के पास आए थे सही बुखारी हदी समार तीन सौ छब्बीस चार हजार तीन सौ सत्ताईस अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह ने बयान किया कि मैं नबी करीम सल्ह वसल्लम के करीब ही था जब आप जो से जो मक्का और मदीना के दरमियान में एक मकाम है उतर रहे थे आपके साथ बिलाल रज़ी अल्लाह थे इसी अरसे में आ अलैहि वसल्लम के पास एक बदवी आया और कहने लगा कि आपने जो मुझसे वादा किया है उसे पूरा क्यों नहीं करते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें बशारत हो इस पर वो बदवी बोला बशारत तो आप मुझे बहुत दे चुके फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरे मुबारक अबू मूसा और बिलाल की तरफ फेरा कहा फिर आप बहुत गु़स्से में मालूम हो रहे थे आपने फरमाया उसने बिशारत वापस कर दी अब तुम दोनों इसे कबूल कर लो इन दोनों हजरा ने अर्ज किया हमने कबूल किया फिर आपने पानी का एक प्याला तलब फरमाया और अपने दोनों हाथों और चेहरे को इसमें धोया और उसी में कुल्ली की और अबू मूसा रजी अल्लान हो और बिलाल रजी अल्लाहन हो हर दो से फरमाया कि इसका पानी पी लो और अपने चेहरों और सीनों पर इसे डाल लो और बशारत हासिल करो इन दोनों ने प्याला ले लिया और हिदायत के मुताबिक अमल किया पर्दे के पीछे से उम्मा रजी अल्लाह ने भी कहा कि अपनी माँ के लिए भी कुछ छोड़ देना चुनाचा इन हरदों ने उनके लिए एक हिस्सा छोड़ दिया सही बुखारी बिन याली बिन उमैया ने खबर दी कि याली ने कहा काश मैं रसूल अल्लाह वक्त देख सकता जब आप पर वही नाजिल होती है बयान किया कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोराना में ठहरे हुए थे आपके लिए एक कपड़े से साया कर दिया गया था और उसमें चंद सहाबा रजी अल्लाह भी आपके साथ मौजूद थे इतने में एक आराबी आए वो एक जुब्बा पहने हुए थे खुशबू में बसा हुआ उन्होंने अज किया या रसूल अल्लाह एक ऐसे शख्स के बारे में आपका क्या हुक्म है जो अपने जुब्बे में खुशबू लगाने के बाद उमरे का अहराम बांधे फौरन ही उमर रजी अल्लाह ने याली रजियो को आने के लिए हाथ से इशारा किया जाली रजी अल्लाह उन्होंने हाजिर हो गए और अपना सर आजरत सल अलाम को देखने के लिए अंदर किया नजूल वही की कैफियत से आ हजरत सल्लाम का चेहरा मुबारक सुर्ख हो रहा था और जोर जोर से सांस चल रहा था थोड़ी देर तक यही कैफियत रही फिर खत्म हो गई तो आपने दरियाफ्त फरमाया कि अभी उम्र के मुतालिक जिसने सवाल किया था वो कहाँ है उन्हें तलाश करके लाया गया तो आपने फरमाया कि जो खुशबू तुमने लगा रखी है उसे तीन मरतबा धो लो और जुब्बा उतार दो और फिर उमरे में वही काम करो जो हज में करते हो सही बुखारी हदीस समर चार हजार तीन सौ उनतीस अब्दुल्ला बिन जैद बिन आसिम रजी अल्लाह उन्होंने बयान किया कि गजब हुनैन के मौके पर अल्लाह ताला ने अपने रसूल को जो ननीमत दी थी आपने उसकी तकसीम कमजोर ईमान के लोगों में जो फतेह मक्का के बाद ईमान लाए थे कर दी और अंसार को उसमें से कुछ नहीं दिया उसका उन्हें कुछ मलाल हुआ कि वो माल जो आज़रत सल्ला वसलम ने दूसरों को दिया उन्हें क्यों नहीं दिया आपने इसके बाद उन्हें खिताब किया और फरमायांारी क्या मैंने तुम्हें गुमराह नहीं पाया था फिर तुमको मेरे ज़रिए अल्लाह तुमने हिदायत नसीब की और तुम मैं आपस में दुश्मनी और ना इतफाक़ी थी तो अल्लाह तेरे ज़रिए तुम मैं बाहमुल्फत पैदा की और तुम मोहताज थे अल्लाह ताला ने मेरे ज़रिए गनी किया आपके एक एक जुमले पर अनसार कहते जाते थे कि अल्लाह और उसके रसूल के हम सबसे ज्यादा एहसान मंद हैं हजूर सल्ला वसलम ने फरमाया कि मेरी बातों का जवाब देने से तुम्हें क्या चीज़ माने रही बयान किया कि हज़ुर सल असलम के हर इशारे पर अनसार अर्ज़ करते जाते कि अल्लाह और उसके रसूल के हम सबसे ज़्यादा एहसान हैं फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम चाहते हो तो मुझसे इस इस तरह भी कह सकते थे क्या आप आए तो लोग आपको झुटला रहे थे लेकिन हमने आपकी तस्दीक की वगैरह क्या तुम इस पर खुश नहीं हो कि जब लोग ऊंट और बकरियां ले जा रहे होंगे तो तुम अपने घरों की तरफ रसूल अलैहि वसल्लम को साथ लिए जा रहे होंगे अगर हिजरत की फजीलत ना होती तो मैं भी अंसार का एक आदमी बन जाता लोग खाह किसी घाटी या वादी में चलें मैं तो अंसार की वादी और घाटी में चलूंगा अंसार उस कपड़े की तरह है यानी या अस्तर जो हमेशा जिस्म से लगा रहता है और दूसरे लोग ऊपर के कपड़े की तरह हैं यानी अब्रा तुम लोग अंसार देखोगे कि मेरे बाद तुम पर दूसरों को तरजीह दी जाएगी तुम ऐसे वक्त में सब्र करना जहां तक कि मुझसे हौज पर आ मिलो सही बुखारी हदी समार हजार तीन सौ तीस अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ने खबर दी बयान किया कि जब कबीला हवाजन के माल में से अल्लाह रसूल को जो देना था वो दिया तो अनसार के कुछ लोगों को रंज हुआ क्योंकि आ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को सो सो ऊंट दे दिए थे कुछ लोगों ने कहा कि अल्लाह अपने रसूल की मकबरत करे कुरेश को तो आप इनायत फरमा रहे हैं और हमको छोड़ दिया है हालांकि अभी हमारी तलवारों से उनका खून टपक रहा है अल्लाह उन्होंने बयान किया कि अनसार की ये बात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में आई तो आपने उन्हें बुला भेजा और चमड़े के एक ख़ैमे में उन्हें जमा किया उनके साथ उनके अलावा किसी को भी आपने नहीं बुलाया था जब सब लोग जमा हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और फरमाया तुम्हारी जो बात मुझे मालूम हुई है क्या वो सही है अनसार के जो समझदार लोग थे उन्होंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह जो लोग हमारे मुआज़ और सरदार हैं उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही है अलबत्ता हमारे कुछ लोग जो अभी नौ उम्र हैं उन्होंने कहा है कि अल्लाह रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम की मख़रत करे कुरेश को आप दे रहे हैं और हमें छोड़ दिया है हालांकि अभी हमारी तलवारों से उनका खून टपक रहा है आ हज़रत सल्लाह वसम ने इस पर फरमाया मैं ऐसे लोगों को देता हूँ जो अभी नए नए, नए इस्लाम में दाखिल हुए हैं इस तरह मैं उनकी दिलजोई करता हूँ क्या तुम इस पर राज़ी नहीं हो कि दूसरे लोग तुम और दौलत साथ ले जाएं, और तुम नबी वसल्लम को अपने साथ अपने घर ले जाओ खुदा की कसम कि जो चीज़ तुम अपने साथ ले जाओगे वो उससे बेहतर है जो वो ले जा रहे हैं अनसार ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह हम इस पर राज़ी हैं इसके बाद आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे बाद तुम देखोगे कि तुम पर दूसरों को तरजीह दी जाएगी उस वक्त सब्र करना यहाँ तक कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आमिलू मैं हौजे कोसर पर मिलूंगा अनस रضي अल्लाह उन्होंने कहा लेकिन अनसार ने सब्र नहीं किया सही बुखारी हदीस नंबर 4331 अनस बिन मालिक रضي अल्लाह उन्होंने बयान किया फ़तेह मक् के ज़माने में आ हज़रत सल्ला ने कुरेश में गनीमत की तकसीम कर दी अनसार्ला और रंजीदा हुए आपने फरमाया क्या तुम इस पर राजी नहीं हो कि दूसरे लोग दुनिया अपने साथ ले जाए और तुम अपने साथ रसूल सल्लाह वसलम को ले जाओ अनसार ने अर्ज किया कि हम इस पर खुश हैं हजूर सल्लाम ने फरमाया कि लोग दूसरे किसी वादी या घाटी में चले तो मैं की वादी या घाटी में चलूंगा सही बुखारी हदीस हदी समीसों ने बयान किया कि गजब हुनैन में जब कबीले हवाजन से जंग शुरू हुई तो नबी करीम अलैहि वसल्लम के साथ दस हजार फौज थी कुरैश के वो लोग भी साथ थे जिन्हें फतेह मक्का के बाद हज़रत वसल्लम ने छोड़ दिया था फिर सब ने पीठ फेर ली हजूर वसल्लम ने पुकारा उन्होंने जवाब दिया कि हम हाजिर हैं या रूल्ला आपके हर हुक्म की तकमील के लिए हम हाजिर हैं हम आपके सामने हैं फिर हजूर सल्लाम अपनी सवारी से उतर गए और फरमाया कि मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूँ फिर मुशरकिन को हार हो गई जिन लोगों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का के बाद छोड़ दिया था और महाजरीन को आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया लेकिन अनसार को कुछ नहीं दिया इस पर अनसार परसार्ला ने अपने गम का इजहार किया तो आपने उन्हें बुलाया और एक ख़ैमे में जमा किया फिर फरमाया कि तुम इस पर राज़ी नहीं हो कि दूसरे लोग बकरी और ऊंट अपने साथ ले जाएं और तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ ले जाओ आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर लोग किसी वादी या घाटी में चलें और अंसारी दूसरी घाटी में चलें तो मैं अंसारी की घाटी में चलना पसंद करूंगा सही बुखारी हदीस नंबर 4333 अनस बिन मालिक रजी अल्लाह उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसारी के कुछ लोगों को जमा किया और फरमाया कि किश के कुफर का और उनकी बर्बादियों का ज़माना करीब का है मेरा मकसद सिर्फ़ उनकी दिलजोई और तालीफ कल्ब था क्या तुम इस पर राज़ी और खुश नहीं हो कि लोग दुनिया लेकर अपने साथ जाए और तुम अल्लाह के रसूल अल्लाह सल वसल्लम को अपने घर ले जाओ सब अंसारी बोले क्यों नहीं हम इसी पर राजी हैं हजूर सल असलम ने फरमाया अगर दूसरे लोग किसी वादी में चलें और अंसार किसी और घाटी में चलें तो मैं अंसार की वादी या घाटी में चलूंगा सही बुखारी हदीस सुफियान ने बयान किया उनसे आमिश ने उनसे अबू वाइल ने और उनसे अब्दुल्ला बिन मसूद ने जब रसूल वसम उन्होंने इनके माले गनीमत की तकसीम कर रहे थे तो शख्स ने जो मुनाफिक था कहा कि इस तकसीम में अल्लाह की खुशनुदी का कोई ख्याल नहीं रखा गया है मैंने रसुलकरम सल्ह वसम की खिदमत में हाजिर होकर आपको इस बदगो की तला दी तो आपके चेहरे मुबारक का रंग बदल गया फिर आपने फरमाया अल्लाह तला मूसम पर रहम फरमाए उन्हें इससे भी ज़्यादा दुख पहुँचाया गया था बस उन्होंने सब्र किया सही बुखारी हदीस अमर चार हजार तीन सौ पैंतीस जरीर ने बयान किया उनसे मंसूर ने उनसे अबू वाइल ने और उनसे अब बिन मसूद के इनके मौके पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद लोगों को बहुत बहुत जानवर दिए चुनाचा अकरा बिन हाबिज़ को जिनका दिल बहलाना मंजूर था सो ऊंट दिए आइना बिन हसन फजारी को भी इतने ही दिए और इसी तरह दूसरे अशराफ अरब को दिया इस पर एक शख्स ने कहा कि इस तकसीम में की रजा का कोई ख्याल नहीं किया गया इबन मसूद गया। बयान किया कि मैंने कहा कि मैं इसकी खबर रसूल वसल्लम को करूंगा जब अलैहि वसल्लम ने यह कलमा सुना तो फरमाया पर रहम फरमाए कि उन्हें इससे भी ज्यादा दुख दिया गया था लेकिन उन्होंने सब्र किया सही बुखारी हदीस समर चार हजार तीन सौ छत्तीस अनस बिन मालिक रज़लों ने बयान किया कि जब हुनैन का दिन हुआ तो कबीले हवाजन और गदफान अपने मवेशी और बाल बच्चों को साथ लेकर जंग के लिए निकले उस वक्त आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दस हजार कलश कर था इनमें कुछ लोग वो भी थे जिन्हें आ हज़ूर वसल्लम ने पताह मक्का के बाद एहसान रख कर छोड़ दिया था फिर उन सब ने पीठ फेर ली और हजूर अक्रम सल्ह वसलम तनहा रह गए उस दिन अलैहि वसल्लम ने दो मर्तबा पुकारा दोनों पुकार एक दूसरे से अलग अलग थीं। आपने दाएं तरफ मुतवज्जा होकर पुकारा ए उन्होंने जवाब दिया हम हाजिर हैं या रसूल आपको बशारत हो हम आपके साथ हैं लड़ने को तैयार हैं फिर आप बाएं तरफ मुतवज्जा हुए और आवाज दी ए उन्होंने उधर से जवाब दिया कि हम हाजिर हैं या अल्लाह मशारत हो हम आपके साथ हैं हजूर सल्हुह वम उस वक्त एक सफ़ेद खच्चर पर सवार थे फिर आप उतर गए और फरमाया मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूँ अनजाम कार काफिरों को हार हुई और इस लड़ाई में बहुत ज्यादा गनीमत हासिल हुई हजूर सल्लाह वसलम ने इसे महाजरीन में और क्रैशियों में तकसीम कर दिया जिन्हें फ़तेह मक् के मौके पर एहसान रख कर छोड़ दिया था ंसार को उसमें से कुछ नहीं आता फरमाया फरमायांसार के बाद नौजवानों ने कहा कि जब सख्त वक्त आता है तो हमें बुलाया जाता है और गनीमत दूसरों को तकसीम कर दी जाती है ये बात हजूर अक्रम सल्ह वसलम तक पहुंची तो आपने अनसार को एक ख़ैमे में जमा किया और फरमाया आए क्या वो बात सही है जो तुम्हारे बारे में मुझे मालूम हुई है इस पर वो खामोश हो गए फिर आजूर सल्ला वसलम ने फरमाया अयसारी क्या तुम इस पर खुश नहीं हो कि लोग दुनिया अपने साथ ले जाएंगे और तुम रसूल अलैहि वसल्लम को अपने घर ले जाओगे अंसारीयों ने अर्ज किया हम इसी पर खुश हैं इसके बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर लोग किसी वादी में चलें और अंसार किसी घाटी में चलें तो मैं अनसार ही की घाटी में चलना पसंद करूंगा इस पर हशाम ने पूछा अय अबू हमजा क्या आप वहाँ मौजूद थे उन्होंने कहा कि मैं हजूर अलैहि वसल्लम से गायब ही कब होता था सही बुखारी अजीब तीन सौ सैंतीस अल्लाह उन्होंने बयान किया कि नबी करीम वसल्लम ने नज़द की तरफ एक लश्कर रवाना किया था मैं भी उसमें शरीक था उसमें हमारा हिस्सा माल गनीमत में बारह बारह ऊंट पड़े पर एक एक ऊँट हमें और फालतू दिया गया इस तरह हम तेरा तेरा ऊंट साथ लेकर वापस आए सही बुखारी अजी समर चार हजार तीन सौ अड़तीस मैं खबर दी दूसरी सनद नईम बिन हम्माद ने बयान किया कहा हमको अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने खबर दी उन्हें ने उन्हें जाहरी ने उन्हें सालिम ने और उनसे उनके वालिद अब्दुल्लाह बिन उमर रजील्ला ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह को बनी जज़ीमा की तरफ भेजा खालिद बिन वलीद ने उन्हें इस्लाम की दावत दी लेकिन उन्हें ना हम इस्लाम लाए कहना नहीं आता था इसके बजाय वो सबाना सबाना, हम बेदीन हो गए यानी अपने आबाए दीन से हट गए कहने लगे खालिद रदी अल्लाह ने उन्हें कत्ल करना और क़ैद करना शुरू कर दिया और फिर हम में से हर शख्स को उसका कैदी हिफाजत के लिए दे दिया फिर जब एक दिन खालिद रदी अल्लाह ने हम सबको हुक्म दिया कि हम अपने कैदियों को कत्ल कर दें मैंने कहा अल्लाह की कसम मैं अपने क़ैदी को कत्ल नहीं करूंगा और न मेरे साथियों में कोई अपने कैदी को कत्ल करेगा आखिर जब हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़मत में हाजिर हुए और आपसे सूरत हाल का बयान किया तो आपने हाथ उठाकर दुआ की अय अल्लाह मैं इस फैल से बेजारी का ऐलान करता हूँ जो खालिद ने किया दो तो मरतबा आपने यही फ़रमाया सही बुखारी हदीसर चार हजार तीन सौ उनतालीस हजरत अली रदी अल्लाह ने बयान किया कि नबी करीम सलम ने एक मुख्तसर लश्कर रवाना किया और उसका अमीर एक अंसारी सहाबी अब्दुल्ला बिन हज़ाफा साहमीर रदी अल्लाह को बनाया और लश्करियों को हुक्म दिया कि सब अपने अमीर के ताद करें फिर अमीर किसी वजह से गुस्सा हो गए और अपने फौजियों से पूछा कि क्या तुम्हें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी इताद करने का हुक्म नहीं फ़रमाया है सब ने कहा कि हाँ फरमाया है उन्होंने कहा फिर तुम सब लकड़ियाँ जमा करो उन्होंने लकड़ियाँ जमा की तो अमीर ने हुक्म दिया कि इसमें आग लगाओ और उन्होंने आग लगा दी अब उन्होंने हुक्म दिया कि सब इसमें कूद जाओ फौजी कूद जाना ही चाहते थे कि उन्हही में से बाज ने बाज को रोका और कहा कि हम तो इस आग ही के खौफ से रसूल सल्ला वसलम की तरफ आए हैं इन बातों में वक्त गुजर गया और आग भी बुझ गई इसके बाद अमीर का गुस्सा भी ठंडा हो गया जब इसकी खबर रसूल वसल्लम को पहुंची तो आपने फरमाया कि अगर ये लोग उसमें कूद जाते तो फिर कयामत तक उसमें से निकलते इतात का हुक्म सिर्फ नेक कामों के लिए है सही बुखारी हदीस नंबर चार हजार तीन सौ चालीस अबू ने बयान किया कि रसूल वसल्लम ने अबू मूसा शारी और माज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह उन्होंने को यमन कहााकिम बना कर भेजा रावी ने बयान किया कि दोनों सहाबियों को उसके एक एक सूबे में भेजा रावी ने बयान किया कि यमन के दो सूबे थे फिर आ हज़रत सल्लाह वसम ने उनसे फरमाया देखो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना दुशारी आन न पैदा करना उन्हें खुश करने की कोशिश करना दीन से नफरत न दिलाना ये दोनों बुजुर्ग अपने अपने कामों पर रवाना हो गए दोनों में से जब कोई अपने इलाके का दौरा करते करते अपने साथी के करीब पहुंच जाता तो उनसे ताज़ी मुलाकात के लिए आता और सलाम करता एक मरतबा हजरत माज अपने इलाके में अपने साहब अबू मूसा के करीब पहुंच गए और अपने खच्चर पर उनसे मुलाकात के लिए चले जब उनके करीब पहुँचे तो देखा कि वो बैठे हुए हैं और उनके पास कुछ लोग जमा हैं और एक शख्स उनके सामने है जिसकी मशकें कसी हुई हैं माजरदी अल्लाह उन्होंने उनसे पूछा अय अब बिन कैस ये क्या वाक़ है अबू मूसा मसरद अल्लाह उन्होंने बतलाया कि यह शख्स इस्लाम लाने के बाद मुर्तद हो गया है उन्होंने कहा कि फिर जब तक इसे कत्ल न कर दिया जाए मैं अपनी सवारी से नहीं उतरूंगा अबू मूसा मसरद अल्लाह उन्होंने कहा कि कत्ल करने ही के लिए इसे यहाँ लाया गया है आप उतर जाए लेकिन उन्होंने अब भी यही कहा कि जब तक इसे कत्ल न किया जाएगा मैं न उतरूंगा आखिर अबू मूसा रदी अल्लाह उन्होंने हुक्म दिया और उसे कत्ल कर दिया गया तब वो अपनी सवारी से उतरे और पूछा अब्दुल्ला, आप क़ुरान किस तरह पढ़ते हैं उन्होंने कहा मैं तो थोड़ा थोड़ा हर वक्त पढ़ता रहता हूँ फिर उन्होंने माज रदी अल्लाह से पूछा किरण मजीद किस तरह पढ़ते हैं माजरदी अल्लाह उन्होंने कहा कि मैं तो रात के शुरू में सोता हूँ फिर अपनी नींद का एक हिस्सा पूरा करके मैं उठ बैठता हूँ और जो कुछ अल्लाह ताला ने मेरे लिए मुकद्दर कर रखा है उसमें कुरान मजीद पढ़ता हूँ इस तरह बेदारी में जिस सवाब की उम्मीद अल्लाह ताला से रखता हूँ सोने की हालत के सवाब का भी उससे इसी तरह उम्मीदवार रहता हूँ सही बुखारी हदीस नंबर चार हज़ार तीन सौ इकतालीस चार हजार तीन सौ बयालीस इस हाक ने बयान किया कहा हमसे खालिद ने उनसे शेबानी ने उनसे सईद बिन अभी बुरदा ने उनसे उनके वालिद ने और उनसे अबू मूसा शारीर कि नबी करीम उन्हें यमन भेजा अबू मसा रद्ला आ हज़रत वसल्लम से उन शरबतों का मसला पूछा जो यमन में बनाए जाते थे आ हज़रत सल्ह वसलम ने दरियाफ्त फरमाया कि वो क्या हैं अबू मसा रजा उन्होंने बताया कि अल्मबे और अलमज़र सईद बिन अबी बुरदा ने कहा कि मैंने अबू बुरदा अपने वालिद से पूछा अलमुतब क्या चीज है उन्होंने बताया कि शहद से तैयार की हुई शराब और तैयार की हुई शराब जवाब में आजरत सल्हसम ने फरमाया कि हर नशा व पीना हराम है इसकी रिवायत जरीर और अब्दुल वाहिद ने शेबानी से की है और उन्होंने अबू बुरदा से की है सही बुखारी हजीज़ समर चार हजार तीन सौ तेरालीस शोबा ने बयान किया कहा हमसे सईद बिन नबी बुर्दा ने और उनसे उनके वालिद ने बयान किया कि नबी करीम अलैहि वसल्लम ने उनके दादा हज़रत अबू मूसा मूस रज़ी और माज़ बिन जबल रदी अल्लाह को यमन का हुक्म बनाकर भेजा और फरमाया कि लोगों के लिए आसानी पैदा करना उनको दुशारियों में न डालना लोगों को खुशखबरियाँ देना दीन से नफ़रत न दिलाना और तुम दोनों आपस में मुआफ़त रखना इस पर अबू मूसा शा री अल्लाह उन्होंने अर्ज़ किया अए अल्लाह के नबी हमारे मुल्क में जौ से एक शराब तैयार होती है जिसका नाम अलमजर है और शहद से एक शराब तैयार होती है जो अलबत् कहलाती है आप सल्ह वसल्लम ने फरमाया कि हर नशा लाने वाली चीज़ हराम है फिर दोनों बुजुर्ग रवाना हुए माज रजी अल्लाह उन्होंने अबू मूसा रजी अल्लाह उन्होंने पूछा आप कुरान किस तरह पढ़ते हैं उन्होंने बताया कि खड़े होकर भी बैठ कर भी और अपनी सवारी पर भी और मैं थोड़े थोड़े अरसे बाद पढ़ता ही रहता हूँ माजरत अल्लाह उन्होंने कहा लेकिन मेरा मामूल यह है कि शुरू रात में माया सो जाता हूँ और फिर बेदार हो जाता हूँ इस तरह मैं अपनी नींद पर भी सवाब का उम्मीदवार हूँ जिस तरह बेदार होकर इबादत करने पर सवाब की मुझे उम्मीद है और उन्होंने कैमा लगा लिया और एक दूसरे से मुलाकात बराबर होती रहती एक मरतबा माजरदी अबू मोसरद अल्लाह से मिलने के लिए आए देखा एक शख्स बंधा हुआ है पूछा ये क्या बात है अबू मोसरद ने बताया कि ये एक यहूदी है पहले खुद इस्लाम लाया और अब ये मर्तद हो गया है माज रद्ला ने कहा कि मैं इसे कत्ल किए बग़ैर हरगज न रहूँगा मुस्लिम बिन इब्राहिम के साथ इस हदीस को अब्दुल मलक बिन उमर अकदी और वहा बिन जरीर ने शोबा से रिवायत किया है और वकी और नजर और अबू दाऊद ने इसको शाबा से, उन्होंने अपने बाप बुरदा से उन्होंने रवायत उन्हों किया।, किया उन्होंने अबू बुरदा से सही बुखारी चार हजार तीन सौ पैंतालीस मुस्लिम ने बयान किया कहा मैंने तारीख बिन शहा सुना उन्होंने कहा कि मुझसे अबू मूसा शारी रजी अल्लाह उन्होंने कहा कि मुझे रसूल ने मेरी कौम के वतन यमन में भेजा फिर मैं आया तो हजरत मक्के की वादी अब तह में पड़ाव किए हुए थे दरिया फरमाया अबिन तुमने हज का एहराम बांध लिया मैंने अर्ज किया जी हाँ या रसूल आपने दरियाफ्त फरमाया कलेमराम किस तरह कहे बयान किया कि मैंने अर्ज किया, किया कि यूं कलेम अदा किए हैं ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ और जिस तरह आपने अहराम बांधा है मैंने भी उसी तरह बांधा है फरमाया तुम अपने साथ कुर्बानी का जानवर भी लाए हो मैंने कहा कि कोई जानवर तो मैं अपने साथ नहीं लाया फरमाया तुम फिर पहले बैतुल्लाह का तवाफ और सफ़ा और मरवा की सई कर लो इन रुकनों की अदायगी के बाद हलाल हो जाना मैंने इसी तरह किया और बनू कैस की खातून ने मेरे सर में कंगहा किया और इसी कायदे पर हम उस वक्त तक चलते रहे जब तक हजरत उमर रजी अल्लाह खलीफा हुए इसी को हज तमत्पा कहते हैं और यह भी सुन्नत है सही बुखारी हदीस नंबर रजी अल्लाह ने बयान किया कि जब वो यमन पहुंचे तो यमन वालों को सुबह की नमाज पढ़ाई और नमाज में आयत वत्त इब्राहिम खलीला की इराद की तो उनमें से एक साहब नमाज ही में बोले इब्राहिम की वालदा की आंखें ठंडी हो गई होंगी माज बिन माज ने शोबा से उन्होंने ने माज रदी उन्हों को यमन भेजा वहां उन्होंने सुबह की नमाज में सूर्य नी जब इस आयत पर पहुंचे बदलाब्राहिम खलीला एक साहब जो उनमें खड़े हुए थे कहा कि इब्राहिम के वालिदा की आंख ठंडी हो गई होगी सही बुखारी हदीस समर चार अबू इसहाक ने कहा कि मैंने बराबिन आजिब रदी अल्लाह उन्हों से सुना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खालिद बिन वलीद के साथ यमन भेजा बयान किया कि फिर इसके बाद उनकी जगह हजरत अली रदी अल्लाह उन्हों को भेजा और आपने उन्हें हिदायत की कि खालिद रदी अल्लाह उन्हों के साथ ही कहो कि जो उनमें से तुम्हारे साथ यमन में रहना चाहे वो तुम्हारे साथ फिर यमन को लौट जाए और जो वहाँ से वापस आना चाहे वो चला आए बरारद अल्लाह उन्होंने कहते हैं कि मैं उन लोगों में से था जो यमन को लौट गए उन्होंने बयान किया कि मुझे गनीमत में कई औकिया चांदी के मिले थे सही बुखारी हदी समार हज़ार वरीदा बिन हुसैन ने बयान किया कि नबी करीम अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह उन्होंने की जगह हज़रतली रदी अल्लाह उन्होंने को यमन भेजा ताकि गनीमत के ख़मस पाँचवा हिस्सा को उनसे ले आएं मुझे हज़रतली रदी अल्लाह से बहुत बोग था और मैंने उन्हें गजल करते देखा था मैंने हजरत खालिद रदी अल्लाह से कहा तुम देखते हो अली रदी अल्लाह ने क्या किया और एक लौंडी से सहबत की फिर जब हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खदमत में हाजिर हुए तो मैंने आपसे भी इसका जिक्र किया आपने दरियाफ्त फरमाया वरीदा क्या तुम्हें अली रदी अल्लाह से बोग है मैंने अर्ज़ किया कि जी हाँ अली रदी अल्लाह से दुश्मनी न रखना क्योंकि खम्स गनीमत के पाँचवें हिस्से में इसका उससे भी ज्यादा हक है सही बुखारी अदी समर चार हज़ार तीन सौ पचास